वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं की अगली एपिसोड के हवाले से बताने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इधर जमाल की फूफो को ये बात पता चल जाती है कि अजरा वो उसे अपने घर से निकालना चाहती है, जिसके बाद उसने भी ये फैसला कर लिया होता है कि अब वो अजरा को एक अच्छा सबक सिखाएगी और फिर आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। यहाँ के सब घर वाले ही अब अजरा के खिलाफ हो जाते हैं और कोई भी अजरा की बात पर यकीन और एतबार नहीं करता। इसकी वजह से अजरा को काफी ज्यादा मुश्किलात और काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अजरा उसने भी ये सोच लिया होता है कि वो सब घर वालों को जमाल की फूफो और सायरा का असल चेहरा जरूर दिखाकर ही रहेगी, क्योंकि वो इसी तरह से सायरा और उसकी वालिदा को अपने मकासिद में कामयाब नहीं होने देगी। तो खैर, मजीद इधर आगे आप ये भी देखेंगे कि नसीर और वासिफ नसीर की कोई भी बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से जमाल वो तो यही सोच रहा होता है कि मजीद इख्तिलाफात ना बढ़ें और इसी वजह से वो हल ढूंढ रहा होता है। और फिर मजीद इधर आगे आप ये भी देखेंगे कि समन वो वलीद से बात करती है और उससे यही कह रही होती है कि तुम्हें जमाल भाई से बात करनी चाहिए, जिसके बाद इधर जमाल भाई से वलीद बात करता है रिश्ते के हवाले से, तो जमाल यही कहता है कि अभी तो हमें घर के मसाइल को हल करना चाहिए, फिर उसके बाद ही हम सोचेंगे। मजीद इधर आगे आप ये भी देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ असमा को पता चल जाता है कि सायरा और उसकी वालिदा का मकसद सिर्फ और सिर्फ दौलत को हासिल करना है और अजरा बिल्कुल सच कहती। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि क्या समन की वलीद से शादी हो जाएगी या फिर नहीं? और हमें ये भी बताइएगा कि क्या फरहत वो माजी की तमाम तर बातों को भुला कर वासिफ को माफ कर देगी या फिर नहीं? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।